एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो दिवाली के पहले भी सफाई और दिवाली के बाद भी सफाई। तो दिवाली के ख़त्म होने के बाद पटाखे, और बहुत ज़्यादा पटाखे जल गए थे छत पे, नीचे, बाहर। तो बहुत ज़्यादा सफाई, फिर उनको जलाया गया, मतलब बहुत सारा हो जाता है। तो दिवाली के पहले तो सफाई करते हैं घर की, और दिवाली के बाद भी सफाई होती है। तो सुबह हो गई है और मैं हो चुकी हूँ तैयार, और चलते हैं किचन में। पहले मैं करूंगी पूजा, फिर जाऊंगी किचन में। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा के आ गई रेडी होने। और ससुराल का तो यही रूटीन होता है, मतलब पहले आओ, फिर रेडी हो, फिर रेडी होने के बाद मुझे पूजा करनी होगी। तो बाल को भी सुलझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि लंबे बाल हैं तो मेरे उलझ जाते हैं काफ़ी। तो इनको सुलझाने में ही चला जाता है 15-20 मिनट तो। और अगर मतलब चोटी नहीं बना रखी मैंने तो और ज़्यादा ही टाइम लग जाता है सुलझाने में। तो इसलिए मैं अधिकतर वैसे ही मतलब कर लेती हूँ, जूड़ा सही बना लेती हूँ तो कम उलझते हैं। तो देखिए, मैंने तो जब मैं आती हूँ तो मैं ड्रेसिंग में अपना सामान नहीं रखती हूँ, तो पहले मैं ऐसे ही पॉलिथीन में रखे रह देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन के लिए आना होता है तो फिर मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि फिर उनको पैक करो, एक एक सामान को रखो तो कई सामान भूल जाना होता है। इसलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ और ऐसे ही लगा लेती हूँ, तो दिक्कत भी नहीं होती। और जब जाना होता है तो ऐसे ही रख भी लेती हूँ बैग में, तो ठीक रहता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद अब लगा लूँगी मैं सिंदूर। तो लगा लिया मैंने सिंदूर, अब जाऊँगी मैं पूजा के लिए। तो ये साड़ी भी मेरी काफ़ी टाइम की हो गई है, बट मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उतनी ही सिंपल है और ये उतनी ही हल्की है, पहनने में भी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो और कलर भी मुझे इसका अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अभी तक इसको रखी हुई है, वरना इसको काफ़ी टाइम हो गया मैं हटा देती, बट ये अच्छी लगती है मुझे। और देखिए, मैं यहाँ पे आ गई पूजा करने। तो ससुराल का तो यही रूटीन रहता है वैसे, और मेरा अधिकतर ऐसे ही रूटीन रहता है, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, सुबह उठ के रेडी होके पूजा करना। तो रायबरेली में थोड़ा जल्दबाजी रहती है तो मैं सुबह नहीं रेडी होती हूँ, बस फटाफट पूजा करके खाना पीने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती, तो मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद ही फिर चाय, नाश्ता, खाना, उसमें लगती हूँ। तो ये देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं दूध गरम करने जा रही हूँ इंडक्शन पे रख के। तो यहाँ पहले मैं दूध गरम कर दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी गुलाब जामुन को गरम, और गुलाब जामुन को गरम करके सबको दूँगी पानी पीने के लिए। उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। तो चाय बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपने रूम में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो चाय नाश्ता हो गया है, और यहाँ की भी सफाई ज़रूरी होती है। तो वेदांशी काफ़ी गंदा कर देती है और हो भी जाता है। तो ये है मच्छरदानी, मच्छर तो इतने ज़्यादा लगते हैं, तो कहीं भी रहो मच्छरदानी तो लगानी ही लगानी है, चाहे रायबरेली में रहें तो, चाहे गांव में आएँ तो। बिना मच्छरदानी तो सो ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा मच्छर लगते हैं। तो ये मच्छरदानी स्टैंड वाली है, तो अच्छी होती है काफ़ी, मतलब इसको बस लेट गए और ऐसे लगा लिया, दिक्कत भी नहीं होती इसमें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मैं बिस्तर वगैरह झाड़ लूँगी, काफ़ी साफ़ कर दूँगी अपने कमरे को। तो कमरा ऐसे अस्त व्यस्त रहता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है कब मैं साफ़ कर दूँ इसको, तो फटाफट काम ख़त्म हो जाए।
बच्चों में अस्त व्यस्त हो ही जाता वैसे, कितना भी करो तो थोड़ा सा ठीक कर दो तो अपने आप को भी अच्छा लगता है ना, रूम साफ सुथरा होता है तो अच्छा सा लगता है। तो इसीलिए वो भी आए हैं, और कल मैं भी जाऊंगी भाई दूज करने, अपने भाइयों को भाई दूज करने। तो मेरे तो 6 भाई हैं, तो 6 लोगों को करना होगा। और देखो दोपहर में भी दानशी आज नहीं सोई है, तो वो भी ननंद के लड़के आए हैं दोनों, तो उनके साथ खेलने लग गई है, और सारू उसके साथ खेलने में लगी हुई है। बच्चे ना अगर मतलब अगर नींद आई रही थी उसको तो फिर आ गई थी दीदी, तो उनके साथ खेलने लग गई और नींद गायब हो गई उसकी। तो मैं भी लेटी हुई थी, फिर दीदी आई और जीजू आए, तो उनको मतलब चाय नाश्ता करवाया। और तो आज का वीडियो मैं ही एंड कर रही हूँ, और कल का वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।